हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, सैंपल पेपर की जो सीरीज़ है आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद फिर यहाँ पर चेक करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने क्वेश्चन गलत है, और जो गलत है उसको सीख के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप इसी तरीके से करते होंगे, ये नहीं कि डायरेक्टली यहीं पर आ जाओ सर यहीं पर ही करेंगे जो भी कुछ कर रहा है। चलो खैर, जो भी है, जैसा भी तरीका आपका है, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करो, और उसके लिए सैंपल पेपर पहले प्रैक्टिस करके रखो और फिर यहाँ पर आके चेक करो कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक है और कितने क्वेश्चन गलत हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं अनसॉल्व सैंपल पेपर नंबर 8। अब यहाँ पर जो सैंपल पेपर 8 है, कोशिश करना कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते समय आपको जो टाइम, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था सैंपल पेपर कैसे प्रैक्टिस करना है, तो आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और टाइम को कोशिश करें 1 आवर एंड 30 मिनट के अंदर आप अपना पेपर बोर्ड में जाके कंप्लीट कर सको। और वो तब कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ ये नहीं कि मैं यहाँ पर 5 करा रहा हूँ वीडियो में तो आपको बस 5 ही करने, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके जाओ और टाइम लिमिट के साथ करके जाओ। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो सेक्शन ए में आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम आराम से कर सकते हो, मतलब बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, आप बड़े आराम से यहाँ से नंबर ले सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। मार्जिनल कॉस्ट आपको दे दी है भाई, मार्जिनल कॉस्ट आपको दे दी है, फाइंड द टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है इफ द प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट इज ₹105। और साथ में आपको ये बता दिया कि अगर आप 10 यूनिट की प्रोडक्शन करते हो, मतलब अगर आप 10 यूनिट बनाते हो तो आपको ₹105 पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो काम क्या करना पड़ेगा हमें, इस ये भी कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या है, इसके अंदर कॉस्ट फंक्शन निकालो। और कॉस्ट फंक्शन निकालने का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन इज द इंटीग्रल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो भाई आपने यहाँ पर डाल दिया मार्जिनल कॉस्ट और इसको आप इंटीग्रेट करो। मार्जिनल कॉस्ट आपको दे ही रखा है इसने, 10 - 0.01x +0.009x2। इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कॉस्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट किया हमने, आ गया 10x - 0.01x2 / 2 +0.009x³/3 एंड फिर उसके बाद प्लस सी लगाना मत भूलना भाई, प्लस सी लगाना मत भूलना, नंबर काटना टीचर भूलेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आप 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो जी, ये बचेगा 0.003। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो क्या बन गया, ये 10x - 0.01/2x² +0.003x³/c। तो दिस इज़ द कॉस्ट फंक्शन, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी आप कॉस्ट फंक्शन निकालोगे, मार्जिनल या फिर आप रेवेन्यू फंक्शन निकालोगे, तो आपको यहाँ पर सी की वैल्यू भी निकालनी होती है। अब इस सी की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको यहाँ कुछ नहीं दिया होता है तो हम एक्स को जीरो लेते हैं, और एक्स जीरो लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट दे रखी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि अब 10 यूनिट का अगर प्रोडक्शन करते हो तो आपको ₹105 की कॉस्ट पड़ती है। यानी अगर हम एक्स की जगह रखते हैं 10, तो भाई कॉस्ट पड़ रही है आपको 105। तो यहाँ जो कॉस्ट हमने निकाली थी, कॉस्ट उसकी जगह आप रखेंगे 105 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर रखो आप ये 10x, x की जगह रखना हमें 10 -0.01/2 × 10 +0.003 × यहाँ पर 10 का स्क्वायर करना है भाई, और यहाँ पर करना है 10 का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर करते हैं भाई, इधर बचा हमारे पास 105, और देखिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ गया, माइनस यहाँ पर बनेगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1, यानी 1/2 ही यहाँ पर रहेगा, तो 1/2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 10 का क्यूब, मतलब 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों डेसिमल जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा खाली 3 प्लस में सी। अब यहाँ पर देखो 100 और 3 हो गया, 103 को इधर लाके माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 2, और ये हाफ को भी इधर ले आएंगे तो यह बन जाएगा प्लस हाफ। कैलकुलेशन जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप करो। सी की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2, या आप लिख सकते हो 2.5। तो आपका जो आंसर है वो बन गया यहाँ से
कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या बन गया, कॉस्ट फंक्शन बन गया आपका 10x माइनस 0.10x माइनस 0.01 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 0.003x³। अब सारा कुछ डेसिमल में लिखा है तो इसको भी डेसिमल में लिख दो यार, इसके साथ क्यों हम भेदभाव करें, तो इसको भी डेसिमल में छोड़ दो, बाकी आप 5/2 भी छोड़ दोगे डजंट मैटर, नंबर आपके पूरे मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने की, तो इसके चांसेस मुझे लगते नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। फिर भी अब यहाँ पर क्वेश्चन आया तो मैं इसको कर देता हूँ, जिसने प्रैक्टिस कर रखी हो वो एक बार देख लेना, जिसने नहीं कर रखी हो तो मुझे लगता नहीं कि करने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, ये कर्व है हमारे पास पैराबोला का, तो पैराबोला हम बनाएंगे यहाँ पर, कौन सा वाला पैराबोला है जी, यहाँ पर वाई स्क्वायर वाला पैराबोला होता है, तो ये इस तरह की शेप में बनता है। x की वैल्यू 1, एक लाइन ऐसे आएगी, x की वैल्यू 4, एक लाइन ऐसे आएगी। अब यहाँ पर जो एरिया बाउंड हो रहा है, और साथ में आपको ये भी दिया हुआ है कि x एक्सिस, यहाँ पर एक लाइन और देनी चाहिए थी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x एक्सिस से जब बाउंड करोगे ना तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे, कर्व आपके पास ये है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू आपके पास बनेगी यहाँ से रूट एक्स। तो जो एरिया निकालोगे आप बाउंडेड रीजन का, तो उसके लिए हमने कर्व क्या लिया, कर्व हमने लिया रूट एक्स, और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है भाई, इसकी लिमिट, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमेशा लिमिट का काम करती है। तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है, यानी x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 4 है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, बस आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, लिमिट आ गई हमारे पास 4 to 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो 4 की पावर 3/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 8, क्योंकि 4 का पहले आप कर लो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करने के बाद आ गया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 8 माइनस 1, 1 की पावर तो कितनी भी करो क्या फ़र्क पड़ना है ना, तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये 7 आ गया, 7 × 2 = 14 अपॉन में 3, एरिया निकाल रहे हैं तो लिख देंगे हम स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है लेकिन चांसेस नहीं है एग्जाम में आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बना, हाँ जी, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सिंकिंग फंड में कहता है, पर्सन हैज सेट अप ए सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹10,000 आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, कितना सिंकिंग फंड बनाना है, ये सिंकिंग फंड बनाना है, ये हमारे पास टाइम है। फॉर हिज चिल्ड्रन एजुकेशन फाइंड हाउ मच अमाउंट शुड बी असाइड बाई एनुअली दिया हुआ है इन द अकाउंट पेइंग 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जो जो मेन चीज़ें हैं, जब आप रीडिंग टाइम करोगे ना, ये मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ही ना पड़े, एक बार में आपका काम हो जाए। अब यहाँ पर सब चीज़ हमें हमारे पास आ गई, हमें सिंकिंग फंड जो सेट करना है ना, वो 1,00,000 रुपये का सिंकिंग फंड सेट करना है, 10 साल के लिए करना है, बाई एनुअली पेमेंट करनी है, मतलब साल में 2 बार करनी है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 5%, और उसके अलावा यहाँ पर बस वो तो आगे हाफ ईयरली ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाई एनुअली या हाफ ईयरली। तो सिंकिंग फंड का फार्मूला क्या था हमारे पास, A=R, 1+ I (n-1) / I, ये फार्मूला लगाते हैं हम सिंकिंग फंड में। अब जो सिंकिंग फंड आपको सेट करना है कितने के लिए, 1,00,000 के लिए, तो अमाउंट आ गया आपका 1,00,000 भाई, कितनी पेमेंट जमा कर रही है वो होती है R, तो यहाँ पर R आपको निकालनी है, 1+ I, I कितना बनेगा, 5% है लेकिन हाफ ईयरली है, तो I आपका क्या बनेगा, 5/2, 5/2 का मतलब हो गया 2.5। ठीक है, अब परसेंटेज में निकालोगे इसको, ये तो आपको सीधा ये आ गया, ठीक है, परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025, तो आप सीधा यहाँ पर ये रख दो 0.025। एन कितना बनेगा, एन दिया है 10 साल, लेकिन पेमेंट क्या हो रही है, बाई एनुअली हो रही है, तो एन को कर देंगे डबल। ये सब चीज़ें आप निकाल के दिखा देना, सब चीज़ें ऐसा मत छोड़ना कि भाई सीधा सीधा आप डायरेक्टली पुट कर लो, आप सब चीज़ों को यहाँ पर दिखाओ कि भाई आई ऐसे आया, एन हमारा ऐसे आया, ताकि अगर कहीं पर क्वेश्चन में कहीं गलती रह गई हो, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट ना आया हो, तो नंबर कम से कम कटे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसकी पावर क्या होगी, एन, एन आपके पास आ गया 20 - 1 / I यानी 0.025। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपके पास 2500,
से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया आर, 1 प्लस 0.025 की पावर 20, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.6386 माइनस 1, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2500 इक्वल्स टू में आर इंटू 0.6386। इसको यहाँ नीचे लेकर आओ, आर की वैल्यू आ जाएगी 2500, 0.6386। अब इसको आपको डिवीजन करना है, डिवीजन करने के लिए आप यहाँ पर डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटाकर आप यहाँ पर चार जीरो और लगा दो, ठीक है, या तो अलग से लिख दो या वैसे लिख दो। अब आप इससे इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड तो देखो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि चार डेसिमल, चार प्लेस का जो डिवीजन है शॉर्टकट ट्रिक में मैंने तीन तक आपको बता रखा है, चार की भी ट्रिक होती है लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। डेसिमल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वो चल जाएगा, लेकिन ये पोर्शन आपको करना ही पड़ेगा, ये करके ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये पोर्शन डिवाइड करके आपके पास बनेगा 3914.81, 3914.81। यहाँ पर डेसिमल में थोड़ा 8182 इस तरह से आ जाए, अगर यहाँ पूरी वैल्यू नहीं आया ना तो लास्ट में एक वर्ड जरूर डाल देंगे आप अप्रोक्स, ठीक है, ये आपकी वैल्यू को थोड़ा बहुत ना मैनेज कर लेगी, चल जाएगा काम आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जी, थर्ड में क्या कहता है। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल गए, सेक्शन ए में दो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, चूज़ करना अच्छे तरीके से कि कौन सा ऑप्शन आपको करना चाहिए, वो रीडिंग टाइम में आप पता लगाओगे मेरे को ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना। यहाँ कहता है व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके अंदर एक तो कंपाउंडिंग चाहिए होती है हमें और एक नॉमिनल रेट चाहिए होता है। नॉमिनल रेट आपको दे दिया इसने 5% और जो कंपाउंडिंग है वो आपको दे दिया इसने 4। यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग में यहाँ 5 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि इसके फार्मूले में डिवाइड होता है। तो ये फार्मूला ऐसे बनता है 1 प्लस में r अपॉन 100 p रेज टू पावर p माइनस 1। ये p का मतलब कंपाउंडिंग ही होता है, तो आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, वो फार्मूले में अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1 प्लस r की जगह आ गया 5 अपॉन 100 और यहाँ पर आ गया 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पर 5 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0.0125। जो वैल्यू आपको दे रखी होगी ना वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि क्या यहाँ पर आना चाहिए। अगर टाइम नहीं है ना तो डायरेक्ट देखो वहाँ पर, हाँ भाई यहाँ पर बाकी चीज़ें आपकी लेकिन सही होनी चाहिए, कहीं आपने यहाँ पर गलती कर रखी हो वहाँ पर देखो कि भाई ये उठा के लगा दो, ऐसा मत कर देना। तो अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यही बनेगा और इसकी वैल्यू आपके पास है 1.0509 माइनस 1, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.0509। आंसर को यहाँ नहीं छोड़ना है, आंसर को आपको परसेंटेज में छोड़ना है, परसेंटेज के लिए 100 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आ जाएगा 5.09%। ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा अगर 5% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वहाँ पर कहता है इन्वेस्टमेंट हैज़ ए स्टार्टिंग वैल्यू ₹2000, एक इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ से स्टार्ट करी एंड ग्रो टू ₹18000 और वो ग्रो हो गई, पैसा आपका बढ़ रहा है, अच्छी बात है। इन 3 ईयर्स, 3 साल में ₹2000 ₹18000 हो गए हैं, भाई घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसका CAGR क्या है। अब यहाँ पर आपको जो CAGR निकालोगे तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है भाई फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1, ठीक है, इनटू 100। यहाँ पर आप पहले करना चाहो पहले कर सकते हो, एक बच्चे ने कमेंट किया था सर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया 100 से, तो बेटा मल्टीप्लाई आप यहाँ पर भी कर सकते हो या लास्ट में जैसे आंसर निकलेगा वहाँ पर जाके आप मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल दो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या है, 18000 है डिवाइडेड बाय 2000 रेज टू पावर 1/n, n कितना आपके पास 3 माइनस 1, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, 9 की पावर 1/3। अब यहाँ पर देखो 9 की पावर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो यही तो बनेगा ना अप्रोक्सीमेटली, तो 0.33 आप लिख दो और माइनस 1। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2.065, इसमें से माइनस करेंगे 1.065। यार अब यहाँ पर आप परसेंटेज में दिखा दो कि डेसिमल दो प्लेस इधर कर जाए चला जाएगा तो 106.5%, 106.5% के हिसाब से पैसा ग्रो हो रहा है। ₹2000 कम लगाए हैं, ज़्यादा लगाने चाहिए थे भाई। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आता है सर थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, भैया क्या जाता है यार, एक आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टेट्स है और एक आपके पास टाइम सीरीज है, छोटे छोटे दो चार थ्योरी के क्वेश्चन है, कर जाना। अगर आ गए तो याद रखोगे कि भाई सर ने बताया था कि थ्योरी के आ सकते हैं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नॉलेज तो अपनी बड़ी है और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। तो यहाँ पर जैसे आप पूछ रहे हैं आपसे फोर कंपोनेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू के चार कंपोनेंट बताने हैं। तो चार कंपोनेंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो ट्रेंड कंपोनेंट या सिंपल ट्रेंड हम जिसे बोलते हैं, आप सिंपल ट्रेंड लिख सकते हो या ट्रेंड कंपोनेंट लिख सकते हो, सिंपल ट्रेंड या फिर ट्रेंड कंपोनेंट। उसके बाद कौन सा कंपोनेंट होता है भाई, एक होता है हमारे पास सीजनल कंपोनेंट, सीजन के हिसाब से जो उसमें चेंजेस आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में लिखो भाई, पहले आपको यही लिखना है दूसरे पे यही लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थर्ड हमारे पास था एक साइक्लिकल कंपोनेंट, ठीक है, जिसमें साइकिल के पैडल की तरह ऊपर नीचे डाटा होता है, साइक्लिकल कंपोनेंट। पर साइकिल की तो आप लोगों को आदत ही नहीं होगी, अब तो स्कूटी बाइक वाइक पे घूमते होंगे भाई। नेक्स्ट है हमारे पास इररेगुलर कंपोनेंट, जिस पर किसी का बस नहीं होता, इसमें कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, इसको बोलते हैं इररेगुलर कंपोनेंट। तो ये चार कंपोनेंट, अब सोचो अगर ये क्वेश्चन आ जाए और तुम लोग ना पढ़ के जाओ तो कितना दुख होगा यार, क्वेश्चन में कुछ था क्या, एक बार बस रीड करना है और उसमें कुछ है नहीं। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो टू क्रॉप्स एक्स एंड वाई, ठीक है, दो क्रॉप है हमारे पास एक्स एंड वाई और जो लैंड है आपके पास वो 50 हेक्टेयर है। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड टू रुपीज दिस एंड दिस, दिस इज द प्रॉफिट एंड और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट होता है वही आपका जेड फंक्शन बनता है। तो जेड आपके पास क्या बन रहा है, 10,500 x प्लस 9,000 y, जितना जितना समझ में आता जाए ना बनाते जाओ। टू कंट्रोल वीड्स ए लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज फॉर द क्रॉप एक्स एंड वाई एट द रेट ऑफ 20 liter एंड रुपीज 10 liter पर हेक्टेयर। अब वहाँ पर हमें वीड्स के लिए वहाँ पर हमें लिक्विड हर्बिसाइड डालना है, क्रॉप एक्स और वाई में कितना डालना है। यहाँ पर जो क्रॉप एक्स पे आप डाल रहे हो ये पड़ रहा है आपको 20 rupees पर लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से और ये 10 liter आपको डालना है पर हेक्टेयर के हिसाब से। फर्दर नो मोर देन 800 liter ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग ए पॉन्ड विच कलेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड। अब आपको यहाँ पर 800 लीटर से ज़्यादा हर्बिसाइड नहीं यूज़ करना है, 800 लीटर से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू एलोकेट ईच क्रॉप एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉपर्टी। तो सारा क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई दो तरह की क्रॉप है, एक एक्स और एक वाई। एक्स के लिए हमने मान लिया कि एक्स स्मॉल एक्स हेक्टेयर हमें लैंड चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे लेट लैंड रिक्वायर्ड, लैंड रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई बी एक्स हेक्टेयर एंड वाई हेक्टेयर। ये स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, आप सीधा ये नहीं कि भाई इक्वेशन बनाई और काम शुरू कर दिया, एक्स क्या ले रहे हो वाई क्या ले रहे हो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जेड आपका ये बन गया और जेड आपको क्या करना है यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, क्या देखो मैक्सिमाइज द प्रॉपर्टी, ताकि प्रॉपर्टी को मैक्सिमाइज आप कर सको तो जेड आपको मैक्सिमाइज करना है। ये भी यहाँ पर मेंशन कर दो जी कि जेड का हमें करना क्या है, ठीक है। अब जो हमारे पास लैंड है वो टोटल 50 हेक्टेयर है, अब 50 हेक्टेयर लैंड है तो पड़ोसी थोड़ा ना मुझे अपना खेत देगा, तो मेरे को उसी खेत के अंदर 50 हेक्टेयर के अंदर ही मुझे क्रॉप लगानी पड़ेगी। यानी जो एक्स और वाई जो मैं लैंड ले रहा हूँ यहाँ पर, वो यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 50 हेक्टेयर हो जाएगी। ये मेरा बन गया पहला कंस्ट्रेंट। जो हर्बिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं उसने बताया कि भाई 20 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से तो एक्स में यूज़ करना है, यानी बन गया 20x और 10 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से वाई के लिए यूज़ करना है, ये बन गया 10y। लेकिन इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो मिलाकर आप 800 से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, 800 से ज़्यादा अलाउड नहीं है भाई, उससे ज़्यादा करोगे तो नुकसान हो जाएगा फसल में। तो ये आ गया आपके पास 800, ये बन गया आपके पास सेकंड कंस्ट्रेंट। अब उसके अलावा एक चीज़ हम भूल रहे हैं अभी कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो एंड वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो ये भी बनाना कंपलसरी है, छोड़ दिया तो नंबर भी छूट जाएंगे भाई।
तो ये हमारे सारे कंस्ट्रेंट बन गए हैं। अब इन कंस्ट्रेंट को आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए बोलेगा कि बस सॉल्व करो, यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ फॉर्मुलेट करो। फॉर्मुलेट करना है मतलब बना के छोड़ देना है बस, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कहता है कि स्कूल डेंटिस्ट रेगुलरली इंस्पेक्ट द टीथ ऑफ द चिल्ड्रन। एक स्कूल डेंटिस्ट जो है स्कूल में रेगुलरली बच्चों के दांत चेक करता है, और आपके स्कूल में भी आते होंगे इस तरह से डेंटिस्ट वगैरह। सी हैज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ डीके टीथ फॉर द 11 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.4 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 2.1। ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है बाकी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं उसमें जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ये हमेशा सैंपल का दिया होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पॉपुलेशन का दिया हुआ है, ये फ़र्क है। कैसे पता लग रहा है आपको कि पॉपुलेशन का? कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या कैसे कैसे लेना है। तो ध्यान से समझो कि जो उसने यहाँ पर पहले एक डाटा दिया कि भाई सी हैज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ डीके टीथ फॉर द 11 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.1, यानी ये बात कर रहा है पॉपुलेशन की। तो ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास म्यू नॉट 3.4, म्यू से भी आप डिनोट कर सकते हो, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इसको कैपिटल एस से आप डिनोट कर दो या लिख दो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे भी आप लिख सकते हो 2.1। सी विजिटेड द स्कूल इन द मिडिल एंड फाउंड दैट ग्रुप ऑफ 28 चिल्ड्रन हैव ए मीन ऑफ 3.0 डीके टीथ। अब वहाँ पर वो स्कूल में उसने विजिट किया और पाया कि अगर 28 बच्चों का सैंपल लिया जाए तो उनका जो डीके टीथ है उसका मीन अगर आप निकालोगे तो वो बनेगा आपके पास 3। ये हो गया आपके पास सैंपल मीन, ये हो गया पॉपुलेशन मीन, ठीक है। इज देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन दिस ग्रुप एंड हर रिकॉर्ड फॉर द 11 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन? तो यहाँ पर इसके बीच में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है? तो यहाँ पर आप सीधा सीधा नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाओगे ना, तो यहाँ क्लियरली आप ऐसे ही दिखा दो कि भाई यहाँ ये पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। तो जो नल हाइपोथेसिस है यहां पर आप लिख दो भाई देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो इसमें। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपसे बोल रहा है कि देर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यहां पर आपको वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर आपसे बस डिफरेंस पूछा जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना सकते हो, ये आसान तरीका रहेगा आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस में लिखने का जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए। अब हम यहाँ पर टी वैल्यू निकालेंगे। अब टी वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज मीन। अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाए तो आप यहाँ पर रूट एन ही यूज़ करो क्योंकि ये पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के बारे में। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब यहाँ पर 30 से ज़्यादा है, यहाँ सैंपल की बात नहीं कर रहा हूँ, सैंपल तो 28 ही है लेकिन पॉपुलेशन में जो है वो ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रूट एन हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो जो सैंपल मीन है वो आपके पास 3 है, हाइपोथेसाइज मीन आपके पास 3.4 है, ऐसा आ गया आपके पास 2.1 और यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 28। ये 28 तो ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से माइनस करोगे माइनस 0.4, यहाँ 2.1 और इसको लिख देंगे हम अभी, तो चलो 28 लिख लेते हैं। इसके पेयर बनाते हैं, पेयर बना के इसको छोटा करते हैं, तो छोटा करके आपके पास क्या बनेगी टी वैल्यू माइनस, यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं तो ये तो हो गया 4/21 और इसको लिख लेंगे आप 2√7। अभी जो रूट सेवन है इस रूट सेवन की वैल्यू निकाल लो। अब इसके लिए आप या तो नॉर्मल मेथड पे जाओ या फिर जो शॉर्टकट मेथड मैंने बता रखा है, जिसने नहीं देखा भाई देख लो काम आएगा बड़ा, ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखो। यहाँ रूट सेवन की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो रूट सेवन की वैल्यू शॉर्टकट ट्रिक से हम लिखेंगे, रूट सेवन को लिखेंगे 9 - 2, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और माइनस 2 ऐसा कैसे रहेगा और 2/3, तो इससे इसको डिवाइड करोगे 1 को तो 0.33 आता है हमारे पास, इसमें से माइनस किया 10 - 3 = 7, 9 - 3 = 6, ये आ गया 2.67। उसको भी आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, 2.7 लिख दो तो आप देखोगे, आप कैलकुलेटर से भी करोगे ना तो यही वैल्यू आपके पास आएगी। इसको आप कैंसिल कर लो, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो गया तो आ गया आपके पास 9 × 72 यानी 7.2/7, 7 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा -1.03, ये आपके पास आ गई टी वैल्यू।
अब टी वैल्यू को कंपेयर करना है आपको, जो वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी यानी जो इसका मॉडुलस कंपेयर करना है आपको, यहाँ पर लोअर टेल अपर टेल के चक्कर में कुछ पढ़ना नहीं है, इसका जो मॉडुलस है वो हमेशा कंपेयर करो। अब मॉडुलस ऑफ टी क्या कहता है कि 1.03 का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, मॉडुलस में तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, लेकिन पॉजिटिव करने के बाद भी ये वाली वैल्यू इससे छोटी ही रहेगी, तो लेस देन 1.703। अगर ये लेस देन आ जाता है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता, एक्सेप्ट होता है। तो एक्सेप्ट होने का मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस क्या बनाया था, देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया, अब सेक्शन बी पे चलते हैं, क्या कहता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन इन्फ्रेंशियल सेट्स का ही क्वेश्चन आपको मिल गया। यहाँ पर कहता है रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 हैज 53 मीन, एक हमने रैंडम सैंपल लिया कोई, उसका साइज 16 है, मीन उसका 53 है, तो एन की वैल्यू आपके पास 16 आ गई और मीन आपको दे दिया 53। ये सैंपल का मीन है, ठीक है, सैंपल आपने 16 लिया है तो मीन उसका इतना है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज 150। ये द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका सम के लिए तो सिग्मा, स्क्वायर ऑफ डेविएशन मतलब एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, ये मतलब होता है इसका, ये आपको दिया हुआ है 150। अब इसकी हेल्प से आप निकाल लो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यहां पर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन और फिर कर देंगे इसका पूरे का रूट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 150 और सैंपल कितना था हमारे पास, सैंपल था 16 में से 1 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 15, तो ये आ गया आपके पास रूट 10। अब रूट 10 की वैल्यू निकालोगे आप वैसे 9+1 उसी तरह शॉर्टकट ट्रिक से निकालोगे तो ये आपके पास बन जाएगी 3.16। अब यहाँ पर हमें निकालना है टी वैल्यू, टी वैल्यू मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है यार, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो ये आपको निकालना है, तो टी वैल्यू आपको निकालनी है, टी हो गया आपके पास सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज मीन डिवाइडेड बाय एस एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब यहाँ पर आप एन भी ले सकते हो क्योंकि एन की वैल्यू 16 है, आपके पास स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाएगा, एन माइनस वन लेके भी निकाल सकते हो भाई, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस ज़रूर आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सैंपल मीन आपके पास 53 है और म्यू नॉट आपके पास कितना है 56 डिवाइडेड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3.16 और ये बन जाएगा आपके पास रूट 16। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाए तब तो आपको यही वाला फार्मूला लगाना है, लेकिन जब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो आप इसके अकॉर्डिंग चल लो भाई, स्क्वायर रूट आपका निकल रहा है कंप्लीट या नहीं निकल रहा है, ठीक है। वैसे आइडियल सिचुएशन तो ये रहती है कि n माइनस वन से आप इसको करो, आइडियल सिचुएशन यही रहती है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट हमारा निकल रहा है तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं, माइनस थ्री अपॉन में 3.16, इसका स्क्वायर रूट करोगे आ जाएगा 4, तो ऊपर आ गया आपके पास माइनस 12 अपॉन में 3.16, जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर लो, डेसिमल हटा लो, देखो 4 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4 7 28 और 4 9 36, 4 से इसको करोगे तो 300 को 79 से आपको डिवाइड करना है तो ये बनेगा आपके पास -3.8। बस इसमें सिर्फ इतना ही निकालना है, आगे हमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इतनी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ कहता है सपोज ए पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज 15,000 इन ए म्यूचुअल फंड एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वाज रुपीज दिस, इतना पैसा इन्वेस्ट किया जब उसने रिडीम करा तो उसको इतना पैसा मिला, सी ए जी आर फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज दिस, सी ए जी आर यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, एन आपको फाइंड करना है और उसको फाइंड करने के लिए आपको हेल्प के लिए ये वैल्यूज दे रखी है, तो सी ए जी आर का जो फार्मूला होता है सीधा फार्मूला लगाओ, फार्मूला जरूर लिखो आप हमेशा, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू रेस टू पावर 1/n-1, तो सी ए जी आर आपको दिया हुआ है इसमें 8.88%, फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 25,000, प्रेजेंट वैल्यू है 15,000,
रेस टू पावर 1 बाय एन आपको फाइंड करना है माइनस वन, इसका डेसिमल आप हटाओगे, उस डेसिमल मत हटाओगे, क्या करो परसेंटेज को हटा लो, परसेंटेज को हटाओगे तो डेसिमल दो प्लेस और इधर आ जाएगा, ये बन गया। ये जो माइनस वन है इसको आप इधर लाओ, यहाँ से इसको कैंसिल करो, ये आपके पास कितना था 15,000, ये क्या लिख दिया हमने 15,000 है ये, तो ये कट गया आपके पास 5 से, ये कट गया 5/3। अब 5/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास देखो 3 1 3 एंड 3 6 18, तो ये आपके पास ये वाला फॉर्म बन रहा है 6 6 6, जैसे वहाँ लिखा हुआ ना उतना लिख के छोड़ दो। माइनस वन को तो हम इधर ले गए तो यहाँ तो लिखने की ज़रूरत अब है नहीं। अब इन दोनों को ऐड करा तो आ गया 1.0888, इधर से हमारे पास ये है ही। अब n की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पर अब लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि n यहाँ पर पावर में है और इस नंबर को हम ऐसे लिख नहीं सकते कि भाई इसकी कुछ पावर लेके आ जाए हमारे पास तो n की वैल्यू निकल जाए, क्योंकि तो नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेटर है कि हम इसमें लॉग लें दोनों साइड, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लेने पर क्या होगा, इधर बन गया आपके पास लॉग 1.0888, इधर आ गया 1 बाय एन लॉग 1.666। अब यहां पर जो लॉग आपके पास है, यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, वो डायरेक्टली मैं वो प्रॉपर्टी लगा दी है मैंने, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है देखो 0.0369, 1/n इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.2216, तो n को इधर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, n आ जाएगा आपके पास 0.2216, 0.0369। डेसिमल तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, बस आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करके हमारे पास ये आ रहा है 6.005, तो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स ही हो जाएगा ये। तो 6 साल के अंदर जो 15,000 रुपये हैं वो 25,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में अब नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो, पता कैसे लगेगा आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, नीचे आप देख रहे हो दो फैक्टर आपको दे रखे हैं, ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर और कोई पुट वुट करने का कुछ काम है नहीं, कोई सीन है नहीं। ऊपर वाला का जो फंक्शन है उसकी डिग्री इससे छोटी है तो डिवीजन का भी कोई काम नहीं है, यानी आप सीधा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करो। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, पुट करना पड़ता है हमें 2x+5 / x+3 x+4 = a/x+3 and b/x+4। इस तरह से हमें पुट करके यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस साइड आप एलसीएम लो, इस साइड आप एज इट इज लिखो, 2x+5 / x+3 x+4, यहाँ पर एलसीएम लेके आ जाएगा a into x plus 4 b into x plus 3 divided by x plus 3 into x plus 4। एलसीएम लेने के बाद आप हमारे पास ये आएगा। अब एलसीएम लेने के बाद आएगा तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो इसका डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर है ये हो गया कैंसिल। अब आपके पास जो बच गया इसमें वो सिर्फ न्यूमिनेटर है, इधर आपने न्यूमिनेटर लिया 2x+5, इधर आ गया आपके पास a into x plus 4, इधर आ गया b into x plus 3। अब यहां से इसको कंपेयर करके या फिर वैल्यू पुट करके किसी भी मेथड से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। मेथड आप कोई भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर दिखाओ मत दिखाओ, अगर आप रफली भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करा, यहां पर एक पुट कर लिया x की जगह -4, ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे आपके पास a या b वाला कोई एक कंपोनेंट जीरो हो जाए। तो -4 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह -4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 into -4 + 5, ये तो हो जाएगा जीरो, और b के साथ आ जाएगा -1 - 4 + 3। यहाँ से देखो -8 + 5 - 3 आ रहा है, उधर से -b आ गया तो -- कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 3। ऐसे अगर आप यहाँ पर दूसरा कोई वैल्यू पुट करते हो, यहाँ कर दो -3, अब उससे b आपका जीरो हो जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा -6 + 5 - 6 + 5, इधर आ जाएगा -3 + 4 यानी 1 आ जाएगा, और ये तो जीरो हो गया,
तो यहाँ से माइनस करोगे आप माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस वन, ए बी दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो तो इंटीग्रल आपका क्या बन गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, और बी की वैल्यू आपके पास थ्री अपॉन में एक्स प्लस फोर। पार्शल फ्रैक्शन में जब भी यहाँ पर लीनियर कोफिशेंट्स होंगे तो आपका आंसर हमेशा लॉग में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड लगता है हैंग हो गया है, तो इसके बाद आपको बस एक स्टेप और करना है, फिर मुझे दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा ये। तो इसके बाद आपको बस एक स्टेप और करना है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी थ्री, आगे आपको लगाना है थ्री लॉग एक्स प्लस फोर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है, कभी लाइट चली जाती है, कभी बोर्ड हैंग हो जाता है, तो चलो इसको भी करते हैं अभी। ठीक है, समझ में आ गया ना आंसर ऑफ फाइव। बस आपको एक लाइन और लिखनी है, ठीक है, आप एक लाइन नहीं लिखोगे तो मुझे पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ जाएगा, और आप इतने अच्छे बच्चे हो कि लाइन तो लिख ही लोगे। माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस में थ्री लॉग एक्स प्लस फोर, और लास्ट में सी जरूर डाल देना है ताकि आपका नंबर ना कटे, सी जरूर डालना है। ठीक है, इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो रीस्टार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर नाइन, उसका ये ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमें दे दिया यहाँ पर, अच्छा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन आसान है ये। द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एंड द मार्केट प्राइस मतलब पी इज गिवन, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सबसे पहला काम को हमारे पास क्या होना चाहिए, पी नॉट और एक्स नॉट होना चाहिए। जो पी की वैल्यू दी होती है वो पी नॉट ही होती है एक तरह से, यानी ये पी नॉट है आपके पास 48, और एक्स नॉट निकालने के लिए आपको जो सप्लाई फंक्शन ये हमारे पास है, यानी सप्लाई फंक्शन को हम डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ये आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और पी की वैल्यू आपके पास 48 है। पी नॉट लिख रहे हो, पी लिख रहे हो, डजंट मैटर। ठीक है, आप यहाँ पर 48 पुट करो, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, आप इसको इधर लेके जाओगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से आ गई, इक्वल्स टू जीरो इधर लिख दो। अब यहाँ पर इसके फैक्टर बना लो, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, वो तो सबको अच्छे तरीके से आती होगी ना। तो यहाँ पर x एक तो आ जाएगा फैक्टर 9 और एक आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी एक तो माइनस 9 और x की एक वैल्यू आ जाएगी प्लस 5। दोनों वैल्यू लेने की गलती मत कर देना, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ कॉमोडिटी है, नंबर ऑफ कॉमोडिटी नेगेटिव नहीं होगी। p निकालोगे वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x निकालोगे वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए बस। x की वैल्यू 5 आ गई, अब x की वैल्यू आप, यानी x की वैल्यू का मतलब x नॉट आ गया आपके पास 5, p नॉट आपको दे रखा 48। अब आपसे पूछा गया यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फार्मूला होता है, इसमें x नॉट p नॉट लिखते हैं पहले, माइनस 0 टू x नॉट सप्लाई फंक्शन, फार्मूला लिखो हमेशा पूरा, x नॉट आ गया आपके पास 5, p नॉट आ गया 48, माइनस 0 टू 5, और फंक्शन आपके पास दे रखा है सप्लाई एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, आप इसको कर देंगे इंटीग्रेट, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 40, 5 4 20 प्लस 4 24, और इधर से आ गया आपके पास माइनस, इसको इंटीग्रेट करो एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में एक्स 4 भी साथ में है, 4x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3x, लिमिट आ गई 0 टू 5, तो ये आ गया आपके पास 240 माइनस 5 का क्यूब, यहाँ पर रखेंगे 5 को पुट करेंगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा 125 अपॉन में 3, यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50 प्लस में 5 3 जा 15, जीरो यहाँ कहीं पर भी पुट करोगे सबसे ही आपको जीरो ही वैल्यू मिलेगी। अब ये ब्रैकेट आप खोल लेंगे तो आ जाएगा 240 माइनस 125 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपके पास 65। इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर बाद में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, 4 प्लस 6 10, और यहाँ आ गया 3 माइनस 125 अपॉन में 3, एलसीएम लिया हमने तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 125। एक गड़बड़ कर दी हमने यहाँ, प्लस 65 नहीं होना था, माइनस 65 होना था भाई, ब्रैकेट खुलेगी तो दोनों माइनस में होंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 65। अब इसमें से इसको माइनस करोगे 10 माइनस 5 5, यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 6 7, 175 आएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो 3
थ्री फाइव जो 15, थ्री सेवन जो 21, प्लस 1 22 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, माइनस 1 2 5, माइनस करोगे आप तो इसको आ जाएगा 400 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। अब इसके अंदर कहता है द फॉलोइंग टेबल रिलेट टू द टूरिस्ट अराइवल इन मिलियंस ड्यूरिंग 2004 टू 2010 इन इंडिया, फिट ए स्ट्रीट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट वुड अराइव इन द ईयर 2014। अब यहाँ पर आपको ये जो बोल रहा है कि फिट ए स्ट्रीट लाइन ट्रेंड, मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड इक्वेशन फाइंड करनी है और जो ट्रेंड वैल्यू आपको देनी है सिर्फ 2014 की देनी है, सबकी ट्रेंड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं, तो सबकी ट्रेंड वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जो डाटा आपको दे रखा है इस डाटा को आप ऐसे कॉलम में लिखो, ईयर आपका ये आ गया 2004, 2005, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ पर n काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, n है आपका 7। ठीक है, उसको चलो बाद में लिखूंगा, पहले मैं टेबल चलो दिख तो रहा होगा, ये n की वैल्यू 7 है। ठीक है, दिख रहा है ना, विजिबल है ना। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको लिखनी है, ये वैल्यू आपकी बन गई y 18 20 23 25 24 28 और 30। उसके बाद हमें एक कॉलम बनाना होता है x, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टाइम है इसको TI से डिनोट कर लेते हैं, इसमें से ओरिजिन ईयर माइनस करना है। ओरिजिन ईयर क्या बनेगा, n अगर हमारा 7 है तो ओरिजिन ईयर बनेगा जो सेंटर में होगा यानी 2007, तो ओरिजिन ईयर आपका बनेगा, इसको स्पेसिफाई भी कर देना, ओरिजिन ईयर क्या बनेगा 2007। अब इसको आपको माइनस करते हुए चलना है यहाँ से 2007 को, तो पहले इसी में से इसी को माइनस कर लो, पहले इसी का काम तमाम करो, ये जीरो आ जाएगा। ऊपर की तरफ आप जाओगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, नीचे की तरफ जाओगे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम चाहिए होता हमें स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9410149। उसके बाद एक लास्ट कॉलम चाहिए होता हमें एक्स वाई का, अगर हमें ट्रेंड वैल्यू आगे नहीं बनानी सबकी तो बस यही लास्ट कॉलम होता है एक्स वाई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, 18 3 54, 22 40, माइनस 23, उसके बाद 0, फिर 24, 56 और यहाँ पर आ गया 90। अब सबका टोटल आपको चाहिए, पहले इसका टोटल देख लेते हैं, इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 168, फिर इसका टोटल तो हमेशा जीरो ही रहेगा, इसका टोटल 9 + 4 13, 13 + 1 14 और 14 ऊपर यानी 28। इसका टोटल आपके पास जो माइनस वाली वैल्यूज़ है इनको अलग करके लिख लो, तो ये आ जाएगा 4 + 3 7, 5 + 4 9, 9 और 2 11, -117, और जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं ये आ गई आपके पास 0, 3 + 5 8, 8 + 9 17, तो -117 और +170, तो माइनस करोगे 10 - 7 3 और 6 - 1 5, तो इसका टोटल आ गया आपके पास 53। अब सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी है, ट्रेंड वैल्यू के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, तो वो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए होता है आपके पास सिग्मा वाई अपॉन में एन, सिग्मा वाई है हमारे पास 168 और एन है हमारे पास 7, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 2 14 7 4 28, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 24। बी की वैल्यू निकालते हैं, बी की वैल्यू का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स वाई आपके पास 53 है और सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आया 28। अब 53 को आप 28 से डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 1.89, यानी जो ट्रेंड इक्वेशन है आपकी, ट्रेंड इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी एक्स, तो ये बन गया आपके पास 24 प्लस में 1.89x। अब यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू आपसे पूछी है किसकी, 2014 की, तो 2014 की ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर लिखो y, बेस में लिख दो 2014, a की वैल्यू आपके पास 24 है, b की वैल्यू 1.89 है, यहाँ पर आपको x रखना पड़ेगा। अब x क्या होगा, x आप इसके हिसाब से चलो,
2010 में x कितना आ रहा है 3, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 11, 12, 13, 14, ठीक है, चौथा साल है, तो 3 के बाद यहाँ पर आएगा 4, 5, 6, 7, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, ठीक है। इस तरीके से आपको जितने भी साल आगे की निकालनी है वो वैल्यू आप निकाल के रख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.23 आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे 37.23, ये आपकी ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी फॉर द ईयर 2014। तो इस तरह सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके अंदर ये क्या कहता है, कहता है कंपनी प्रोड्यूस सॉफ्ट ड्रिंक दैट हैज ए कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर दैट ए मिनिमम ऑफ 80 यूनिट ऑफ द केमिकल ए एंड 60 यूनिट ऑफ द केमिकल बी गो इन टू द ईच बोटल ऑफ द ड्रिंक। अब ये कह रहा है कि भाई जो मिनिमम 80 यूनिट की जो क्वांटिटी है केमिकल ए की होनी चाहिए और 60 यूनिट की जो क्वांटिटी है वो केमिकल बी की होनी चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहता है कि आगे द केमिकल्स आर अवेलेबल इन प्रिपेयर्ड मिक्स पैकेट फ्रॉम द टू डिफरेंट सप्लायर। अब जो केमिकल है वो मिक्स पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, जिसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट सप्लायर हैं। दो सप्लायर एस है वो क्या करता है, हैड ए पैकेट ऑफ मिक्स ऑफ 4 यूनिट ऑफ ए, उसके पास जो पैकेट है उसके अंदर क्या कह रहा है कि भाई पैकेट ऑफ मिक्स ऑफ 4 यूनिट ऑफ ए, ए की जो यूनिट उसके पास मिक्स है उसमें 4 यूनिट आती है एक पैकेट के अंदर, और बी के पास जो है वो 2 यूनिट ऑफ बी है जिसकी कॉस्ट पड़ती है उसको 10 रुपीज़। द सप्लायर टी हैज़ ए पैकेट ऑफ मिक्स ऑफ 1 यूनिट, अगर ये सप्लायर टी से लेते हैं तो उसमें हमारे पास एक यूनिट किसकी ए की मिलती है और 2-1 यूनिट हमारे पास बी की मिलती है और इसकी कॉस्टिंग पड़ती है हमें 4 रुपये। तो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ मिक्स फ्रॉम द एस एंड टी शुड द कंपनी परचेज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट। अब कंपनी सोचती है कि भाई मेरे को एस से कितना परचेज करना चाहिए, टी से कितना परचेज करना चाहिए ताकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसकी 80 की और 60 की वो भी पूरी हो जाए और साथ साथ कॉस्ट भी आपको मिनिमम पड़े। तो ये दोनों चीज़ आपको देखनी है। कॉस्ट तो देखो आपको यहाँ से बन रही है, अगर वो ए से लेते हैं तो कॉस्ट पड़ती है उनको 10 रुपीज़, और अगर बी से लेते हैं तो कॉस्ट पड़ती है उनको 4 रुपीज़। तो ये तो आपका जेड बन जाएगा यहाँ से। पहले उससे पहले यहाँ पर एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट एक्स एंड वाई यूनिट बी द नंबर ऑफ पैकेट्स मिक्स परचेज फ्रॉम एस एंड टी। एस से हमने एक्स पैकेट लिए और टी से हमने वाई पैकेट लिए, ये क्वेश्चन के अंदर आ गया। जेड को मिनिमाइज करना है तो यहाँ लिख दो मिनिमाइज ऑफ जेड, कितना आ जाएगा 10x, क्योंकि वहाँ से हमने एक्स पैकेट लिए और दूसरे से हमने लिए हैं 4y, उसकी कॉस्ट पड़ती है 4, पैकेट लिए हमने वाई, तो ये कॉस्ट को तो आपको करना है मिनिमाइज। ये तो बन गया जेड। अब कंस्ट्रेंट बनाओ, तो कंस्टेंट बनाने के लिए कह रहा है कि भाई 4 यूनिट ऑफ ए यहाँ से मिलेगा और तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास 4x, और ए की जो क्वांटिटी है अगर हम बी से लेते हैं तो एक यूनिट हमें यहाँ से मिलेगी केमिकल की y, 1 × में y हो गया। यहाँ पर जो टोटल केमिकल की क्वांटिटी है वो 80 यूनिट कम से कम होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, एक तो कंस्टेंट हमारा ये आ गया। अब जो दूसरा केमिकल है वो हमें कहाँ से मिलेगा, 2 यूनिट हमें मिलेगा इससे एस से, तो हो गया 2x, और एक यूनिट हमें मिल रहा है बी से, तो यहाँ पर हो गया वाई ग्रेटर देन, यहाँ पर जो केमिकल की क्वांटिटी है वो आपको दे रखी है कितनी 60 यूनिट, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ये बन गया आपका दूसरा कंस्टेंट। इसके अलावा x और y ये तो आपका हमेशा बनेगा ही बनेगा, x एंड y दोनों को इकट्ठा आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसका आपको बनाना है ग्राफ। z आपको ये दे दिया, इसको करना है मिनिमाइज। ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है, ग्राफ में ये एरो वेरो सब सही ढंग से प्लेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो पहले वाला कंस्ट्रेंट है, इसमें x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 80, कलर कर देते हैं चेंज, y की वैल्यू 80 मतलब इधर आ गया, y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी 20, ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी। कंस्ट्रेंट किसका बनाइए, 4x प्लस में y इक्वल्स टू 80। फिर दूसरा कंस्ट्रेंट यहाँ से लेते हैं, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y आ जाएगा 60,
x की वैल्यू 0 करेंगे तो y आ जाएगा 60, ये इधर आ गया, और y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 30। ये कंस्टेंट हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ग्राफ में हमेशा इक्वल्स टू का साइन लगाना है। अब यहां पर देखो दोनों में ही ग्रेटर देन का साइन है, तो पॉइंट टेस्ट अगर आप इसमें परफॉर्म करोगे ना तो आपका जो रीजन है वो इसमें जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों में ही यहां पर जो साइन है आपका ग्रेटर देन है। तो अब यहां पर दिखा देंगे जो फिजिबल रीजन, द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। पॉइंट टेस्ट आप लिख के दिखाओ मत दिखाओ, शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट निकाल दो, कॉर्नर पॉइंट और जेड, तो जेड आपके पास कितना है 10x प्लस में 4y। कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो कॉर्नर पॉइंट ये आ गया आपके पास 30 0, एक आ गया 0 80, और ये बीच का कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दें 4x माइनस 2x, 2x आ गया, इधर से 20, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10, और x की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पर आ गया 20, y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ग्राफ से भी आपको पता चल सकता है कि भाई ये वाला पॉइंट आपका क्या आना है, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 40। अब यहाँ पर ये देखो कॉर्नर पॉइंट जो निकाल लिया हमने, उससे पहले वैल्यू निकाल दो। 30 को यहाँ पुट करोगे आ जाएगा 300, 80 को पुट करोगे आ जाएगा 320, इसको यहाँ पुट करेंगे 100, ये आ गया 160, इधर से आ गया यानी 260 आ गया। तो कॉस्ट आपको मिनिमम यहीं पर ही पड़ रही है, तो मिनिमम कॉस्ट इसकी बन रही है आपके पास 260। लेकिन इसको फाइनल करने से पहले, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, आपको एक इनइक्वलिटी और ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप दिखाओ, बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर वी हैव टू ड्रॉ क्या इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जेड आपको दिया हुआ है 10x प्लस में 4y, 10x प्लस 4y। अब यहां से आपको मिनिमाइज करना है जेड को, तो लेस का साइन लगाओ। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 260 आ रही है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसकी जो लाइन है वो आपको देखनी है कहाँ से पास करेगी। अब इसके लिए देखो, एक पॉइंट तो आपका ये आएगा, ये आएगा 1040, एक तो यहाँ से लाइन आपकी पास करेगी करेगी, मतलब यहाँ वाला पॉइंट तो आएगा। एक पॉइंट और आपको चाहिए, वो निकालने के लिए क्या करो, आप वाई को जीरो कर दो। वाई को जीरो करोगे, एक्स की वैल्यू आएगी 26, 26 20 और 30 के बीच में यहाँ पर आएगा कहीं। तो लाइन जो आपकी इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे ना, तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन आपकी इस तरह से पास करेगी। तो आप देख रहे हो जो ये रेड वाला रीजन है, जो शेडेड रीजन है, वहाँ से लाइन हमारी पास नहीं कर रही है, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो हम यहाँ दिखा देंगे, वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन विच हैज़ नो कॉमन पॉइंट, विच हैज़ नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन। तो इसका मतलब हुआ कि जो मिनिमम वैल्यू है या मिनिमम कॉस्ट हमें पड़ रही है वो कितनी आ जाएगी, रुपीज 260, इफ कंपनी परचेज्ड परचेज 10 यूनिट ऑफ फ्रॉम ए एंड 40 यूनिट फ्रॉम बी, 10 पैकेट्स फ्रॉम ए एंड 40 पैकेट्स फ्रॉम बी। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 12th। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के दो क्वेश्चन आने हैं यहाँ पर। यहाँ पर कहता है कि बॉन्ड विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, ये फेस वैल्यू है, पेइंग एनुअल डिविडेंड 4% विल बी रिडीम्ड एट दिस, ये रिडीमेबल प्राइस आ गया, एट द एंड ऑफ 10 ईयर। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इफ द इन्वेस्टर विशेज यील्ड ऑफ 5% पर एनम इफेक्टिवली। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो परचेज प्राइस उसका बताना है, अगर इन्वेस्टर को ये चाहिए कि उसको 5% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, यानी ईल्ड टू मेच्योरिटी उसको 5% मिले। यहाँ पर सब कुछ एनुअली है, कुछ हाफ वाफ आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो आपके पास क्या क्या आ गया, फेस वैल्यू आ गई आपके पास 1000, ठीक है, और कूपन रेट आ गया
यानी डिविडेंड रेट आ गया 4%। दो मेच्योरिटी है आपके पास, जो फार्मूला है उसमें हम एफ से यूज करते हैं, जो मेच्योरिटी वैल्यू है जिस पर आपको बॉन्ड मेच्योर होना है। जो ML वाला फार्मूला लिखते हैं उसमें F से लिखा होता है, अगर आप RD वाला यूज़ करते हैं तो उसमें शायद S से लिखा हुआ होता है। वो जो भी फार्मूला अल्फ़ाबेट के से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। N आपके पास 10 आ गया और yield to maturity आपके पास 5% आ गई। तो अब यहाँ बॉन्ड का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा कूपन रेट। कूपन रेट होता है फेस वैल्यू को डिविडेंड से मल्टीप्लाई करना। तो फेस वैल्यू 1000 है, डिविडेंड आपके पास 4% है, तो 40 रुपये की आपको कूपन पेमेंट मिल रही है। अब प्रेजेंट वैल्यू या परचेज प्राइस या फेयर वैल्यू सब चीज़ सेम होती है बॉन्ड में, ये इसका फार्मूला क्या बनता है, C (1 - 1 + i)^(-n)/i प्लस एफ का मतलब रिडीमेबल प्राइस, ठीक है, 1 + i। इसको आप बेशक मेंशन कर देना अलग से, एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, रिडीमेबल प्राइस, या आप कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो तो वो यूज़ करके फिर यहाँ पर आप दिखा दो। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, बस पुट करते चलो। 40 1 - 1 + i आपके पास 0.05 पावर इसकी -10 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस में f रिडीमेबल प्राइस ये है आपके पास 1 + 0.05 इसकी पावर -10। तो वैल्यू आपको दे रखी है इसकी 0.6139। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इसका डेसिमल हटा के ऊपर ले जाओ, दो जीरो आ जाएंगी, 5 इधर आ गया, 1 - इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.6139 प्लस 1100 0.6139। 5 से इसको काट लेंगे हम, 800, यहाँ 1 में से माइनस करो, प्लस में 1100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास बन गया, कितना बन गया जी, 675.29। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसके साथ हम प्लस कर देंगे तो ये प्लस करके आपके पास बन रहा है 984.17। तो जो बॉन्ड आपके पास फेस वैल्यू जिसकी 1000 रुपये थी, आप अगर उसको इस खरीदोगे इस कंडीशन के हिसाब से तो वो पड़ेगा 984.17 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ईएमआई का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर कहता है फाइंड द ईएमआई ऑफ ए लोन ऑफ रुपीज़ 20 लाख पर मंथ फॉर द 15 ईयर एट द 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पर EMI वर्ड उसने दे दिया तो भी कंपाउंडेड मंथली अपने आप हो गया वो। तो यहाँ पर आपके पास जो EMI में जो टोटल लोन आपने लिया है वो लोन तो आपके पास ये आ गया, यानी P तो आपके पास आ गया 20 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और N आपके पास आ जाएगा 15 ईयर है, EMI के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 EMI आपको पे करनी है। और जो आई हो गया आपके पास वो है 12%, 12 से 12 को डिवाइड करोगे, 1% आ गया, यानी 0.01। तो सब कुछ आपके पास है, बस आपको फार्मूला लगाना है ईएमआई का। अब यहाँ पर पावर माइनस में है तो फार्मूला यहाँ पर जो आरडी में यूज़ कर रहे हैं वो वाला लगाना है। ईएमआई के फार्मूले, 2-3 फार्मूले ध्यान रखना कौन सा आपको लगाना है। P (i) 1 - 1 + i, तो EMI आपको निकालना है। P आपको दे रखा है 20 लाख, I आपके पास आ गया 0.01 डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 0.01 की पावर -180। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, दो जीरो कम हो जाएंगी, 1 - इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.1668। 1 में से माइनस करो, 10 - 8 = 2, 9 - 6 = 3, 9 - 6 = 3, 9 - 1 = 8। अब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 24003.84। अब इतनी EMI आपको पे करनी है कब तक, 15 साल तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया, यानी यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की केस स्टडी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये ग्रांटेड लेके मत चलना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से केस स्टडी आएगी, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से भी आ सकती है जैसा इस सैंपल पेपर में है।
तो इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपके पास जो फंक्शन है, एक तो देखो log x है, एक log x है और यहाँ भी log x है, तो यहाँ पर फैक्टर्स नीचे बन रहे हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन पे आप डायरेक्टली जा नहीं सकते क्योंकि नीचे log दिया हुआ है। तो उस log को आप हटा लो, और log को हटाने का दूसरा रीज़न ये भी है कि log का डेरिवेटिव करते हैं 1/x आता है, और 1/x आपको क्वेश्चन में दिया है, तो ये दो रीज़न की वजह से हम यहाँ पर पुट करेंगे कि log x को पुट कर लेते हैं हम t। तो इधर हो गया 1/x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और डी एक्स को इधर रखते हैं, ये आ जाएगा x इंटू में डी टी। अब तो इंटीग्रल हमारा क्या बन गया, 1/x, इस t की जगह पर आप रखो t और इसकी जगह रख दो 2+t, और डी एक्स की जगह आ जाएगा x डी टी, इस x से x कैंसिल। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया 1/t इंटू 2+t। तो ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास, दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से अब यहाँ पर हम जाएंगे। अब इसको हम पुट कर देते हैं 1/t इंटू में 2+t इज इक्वल्स टू a/t प्लस b/2+t। तो एलसीएम लेने के बाद इधर से रह जाएगा 1, उधर से आ जाएगा a इंटू 2+t। एलसीएम वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे। अब यहाँ पर t की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं एक बार, उससे ये आपका 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2। अगर हम t की जगह पुट कर देते हैं -2, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, इधर से आ जाएगा -2b, और b की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करो जो हमने यहाँ पर ये इंटीग्रल बनाया था। तो इंटीग्रल हमारा क्या बन गया, a की जगह आ गया 1/2 t, और इसकी जगह आ गया -1/2 2+t। पार्शियल फ्रैक्शन में जब भी लीनियर फैक्टर होंगे आंसर आपका हमेशा लॉग में ही रहेगा, इंटीग्रल जब आप करोगे। 1/2 दोनों में कॉमन है, इसको तो बाहर निकाल देंगे, 1/t का इंटीग्रेशन कर दिया log t -log 2+t, दोनों को इकट्ठा कर दो लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर, अगर सेम टर्म्स आ रही होंगी तो आप इकट्ठा कर दो ऐसे t/2+t, और t की जगह उठा के वापस वैल्यू डाल दो log x, तो ये आपका आंसर आ गया 1/2 log x/2+log x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, चेक कर लेते हैं जी, log x और 2+log x, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो केस स्टडी है, केस स्टडी लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगी अब डिफरेंशियल इक्वेशन से, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से। डिफरेंशियल की केस स्टडी की जगह इंटीग्रल का क्वेश्चन दे दिया, ट्विस्ट हो सकता है एग्जाम में, ये ग्रांटेड लेके मत चलना कि भाई इंटीग्रेशन चार नंबर में नहीं आएगा, हमेशा डिफरेंशियल ही आएगा, ग्रांटेड लेके मत चलना, ठीक है। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर कहता है द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल किस रेट से चेंज हो रहा है। प्रिंसिपल ये कह रहा है कि भाई पी हमने मान लिया प्रिंसिपल, टाइम मान लिया टी, तो डी पी बाई डी टी ये किसके बराबर हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट, ये मान लिया हमने r% इंटू में पी, प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट r% है, प्रिंसिपल पी है, टाइम टी है, ये तीनों चीज़ स्पेसिफाई कर देना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, स्पेसिफाई करके आपको रेट ऑफ चेंज इसने ये दे दिया है। इसमें r% कॉन्स्टेंट रहेगा, p को आप इधर लाएंगे तो ये बनेगा dp/p, r आ जाएगा आपके पास r/100 dt, और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो dp/p यहाँ पर r/100 ये आ गया dt, इंटीग्रेट करने के बाद ये बन गया आपके पास log p और ये बन गया आपके पास r/100 t, ठीक है। इसमें c की वैल्यू और निकाल लेते हैं, फिर हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे चलेंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हमने यहाँ पर, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, तो यहीं पर ही छोड़ दो आपके पास, ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब जब हम फर्स्ट पार्ट पर जा रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, कह रहा है कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है 5% दे रखा है, तो यहाँ पर आप 5% पुट करेंगे,
एंड इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 100 डबल इटसेल्फ, जो 100 रुपए हैं वो कितनी देर में डबल हो जाएंगे, देर में नहीं मतलब कितने दिनों में, कितने सालों में डबल हो जाएंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। लॉग टू की वैल्यू आपको दे रखी है। तो पहले पार्ट पर हम चलते हैं। अब उसमें आपको आर की जगह दिया है 5, तो यहाँ पर आप 5 पुट कर लो, तो ये तो आपके पास वैल्यू आ गई फिक्स आर की वैल्यू। अब इस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम को लेते हैं 0 कि भाई स्टार्टिंग में हमने कितना पैसा लगाया। स्टार्टिंग में हमने जो पैसा लगाया वो 100 रुपये था, ठीक है। उसने बोला ना हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 100 डबल, यानी 100 रुपये लगाए तभी तो 100 रुपये हुए उसके पास। तो यहाँ पर आप पुट करो लॉग 100 इक्वल्स टू 1/20t प्लस में टी की जगह आ जाएगा 0, टी की जगह 0 प्लस में सी, तो ये सारा 0 हो गया। सी की वैल्यू आ गई आपके पास लॉग 100। तो इसको आप यहाँ पर इक्वेशन में डालो तो इक्वेशन बन गया आपके पास लॉग पी इक्वल्स टू 1/20t प्लस में 100 लॉग 100। तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये कह रहा है कि जो पैसा है ना आपका वो डबल कब हुआ, डबल कब हुआ मतलब टी तो आपको निकालना है और पी आपको डबल कर देना है, मतलब 100 की जगह हो जाएगा 200। तो पी की जगह 200 पुट करेंगे यहां पर लॉग 200 1/20t की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ये आ जाएगा लॉग 100। लॉग 100 को आप इस साइड लेकर आओगे माइनस में हो जाएगा, तो लॉग 200 माइनस लॉग 100 इक्वल्स टू में 1/20t। यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये बन जाएगा लॉग 200 अपॉन में 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर 20 आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग 2, ये कैंसिल होने के बाद टी की वैल्यू आ जाएगी, ये टी की वैल्यू बन गई 20 इंटू में लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6931। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 2 1 2 2 3 6, एक 0 भी आ गई, 2 9 18, 2 6 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पर आ जाएगा यह 13.86 ईयर्स। 13.86 ईयर्स के अंदर जो पैसा है आपका वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कहता है एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, कि 100 रुपये जो है वो डबल 10 साल में होगा तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये बताना है। फिर इसका थर्ड पार्ट भी है, ठीक है भैया, 3 पार्ट है इसके अंदर। तो चलो पहले सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है आपसे, अब इक्वेशन देखो आपकी इक्वेशन आर यहाँ पर अब निकालना है, तो आर आप ये वाला यूज़ नहीं कर सकते हो, अब आपको इस इक्वेशन को लेके चलना है। अब इस इक्वेशन में फिर से आप सी की वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया वो तो 100 रुपये लगाया, तो स्टार्टिंग में तो आपको लॉग सी की वैल्यू तो लॉग 100 ही मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर ये तो सारा 0 हो जाएगा, उससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, मतलब आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो इफ़ टी इक्वल्स टू 0 सी इक्वल्स टू लॉग 100। तो यहाँ पर इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दो लॉग पी आर अपॉन में 100t प्लस में लॉग 100, ये इक्वेशन बन गई। अब ये कह रहा है कि जो पैसा डबल हो जाएगा, यानी 100 रुपये है वो डबल हो जाएगा और टाइम लग रहा है 10 साल, यानी आपको पी जो दे दिया है इसने डबल दे दिया, टाइम उसने दे दिया आपको 10 साल, तो इसमें आर कितना होगा ये आपको निकालना है। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करो, तो लॉग 200 आर अपॉन 100 टी की जगह आ गया 10 और लॉग 100। लॉग 100 को फिर से आप इधर लाओगे माइनस करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा लॉग 2 बन जाएगा आपका, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर लॉग 2, इधर से ये कैंसिल, ये आ जाएगा आर अपॉन में 10। लॉग 2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे ही रखी है 0.6931, यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू में 0.6931 इक्वल्स टू आर, यानी आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 693.1, डेसिमल इधर जाएगा इधर नहीं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.931। तो इस रेट से अगर पैसा आपका जाएगा तो आपका जो आंसर है जो आपका जो पैसा है वो 10 साल के अंदर ही डबल हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड पार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर ये परसेंटेज में है। थर्ड पार्ट में कहता है हाउ मच विल रुपीज 1000 बी वर्थ एट 5% इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर। तो इंटरेस्ट आपके पास 5% ही है, मतलब यही वाला है, तो इक्वेशन हम यही वाली यूज़ कर सकते हैं।
टाइम यहाँ पर 10 साल है, तो 10 साल के अंदर जो पैसा 1000 रुपये है वो कितना हो जाएगा, यानी पी निकालना है। तो इक्वेशन तो आप यही यूज़ कर सकते हो यहाँ पर कि लॉग पी, क्योंकि आर आपके पास 5% ही दे रखा है, तो दोबारा सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ से जितना आप यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो, ये नहीं कि आपको सेकंड पार्ट में पूरा करना है, थर्ड पार्ट में पूरा करना है, करते करते परेशान हो जाओगे। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई पी की वैल्यू कितनी होगी, अगर टाइम 10 साल का है और आर तो आपको दे रखा है 5%, तो यहाँ टाइम की जगह आप 10 साल पुट कर दो, तो लॉग पी आ गया आपके पास 1/20 × 10 प्लस लॉग 100, तो यहाँ पर ये कैंसिल आ जाएगा 1/2। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है देखो ई में दे रखी है, अब ई में कैसे लेकर आओगे इसको, पहले लॉग 100 को इधर लेकर आओ, तो वही बन जाएगा लॉग पी माइनस लॉग 100। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/2 का मतलब 0.5। अब इस लॉग को आप हटाओगे उस साइड लेके जाओगे तो ये पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा पी अपॉन में 100 इक्वल्स टू ई की पावर 0.5। अब ई की पावर 0.5 की ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसको आप पुट करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6487। तो इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1.64 1.6487, डेसिमल आ जाएगा आपका इधर, तो बन जाएगा 1.64.87। यहाँ पर एक डेसिमल गलत हो रहा है हमारा, 1.6487 है और पी हमारे पास 100 रुपये नहीं लगाया था यहाँ पर, स्टार्टिंग में 1000 लगाया, तो यहाँ पर आपको जो सी की वैल्यू मिलेगी वो 1000 मिलेगी। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास एक जीरो और बढ़ेगी, एक जीरो और बढ़ने पर जो डेसिमल है वो आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.6487 रुपीज़। ठीक है, इक्वेशन में बस आपको ये चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो सी की वैल्यू है, ये जो स्टार्टिंग में 100 रुपये लिया था ना, तो थर्ड पार्ट में जो इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टिंग में 1000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको लॉग 1000 लेके फिर आगे प्रोसीड करना है, बस इतना चेंज आएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आई होप ये सैम्पल पेपर आप लोगों ने कर लिया होगा, साथ भी चेक कर लिया होगा कि आपके कितना सही है और कितना गलत है। बाकी कि 2 सैंपल पेपर रह गए हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।